गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 एक सांस आज़ादी के, जिससे लिखा है डॉक्टर जीवन यदु ने। ठीक, ये पाठ छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी गई है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होते, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते। ये दो पंक्तियों का अर्थ हम पहले देख लेते हैं कि इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवित और जागृत मतलब चेतना संपन्न मनुष्य के लिए आज़ादी धर्म के समान होती है। ठीक, और जो हमें आज़ादी मिली है एक सांस आज़ादी की, अर्थात एक क्षण भी जो हमें आज़ादी के जो मिल जाते हैं वो हमारे 100 जन्म के बराबर है। आगे की पंक्तियों का देखते हैं। जेकर चेथी माँ जुड़ा कस माढ़े रथे गुलामी, जेन जोहारे बैरी मल्ला घोलन के लामा लामी, नाम ले ज़्यादा जगमा ओकर होते गा बदनामी, ऐसन मनखे के जिंदगी बेसरम बरोबर होते। अब चलते हैं इसका अर्थ देखते हैं। जेकर चेथी, चेथी का मतलब क्या होता है? कंधा। तो जिस व्यक्ति के कंधे पर गुलामी जुए के समान रखी होती है, ठीक है, जुड़े के समान, जुड़े के समान अर्थात है ये जो कंधे के ऊपर में हमारा सर है। अब सर में हम लोग क्या जब बाल बांधते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जुड़ा। ठीक है, जुड़े के समान रहती है, अर्थात जो मनुष्य किसी दूसरे का गुलाम होता है, जैसे अंग्रेज के समय में क्या थे, हम सभी अंग्रेजों के क्या थे? गुलाम थे। ठीक कि नहीं? तो वैसे ही बोल रहा है कि जो मनुष्य किसी दूसरे का गुलाम होता है और जो शत्रुओं को दंडवत प्रणाम करता है, जो तुम पे हुक्म कर रहा है, जो तुम्हें गुलाम बना रहा है, हम उसकी गुलामी कर रहे हैं, तो हम क्या है, हमें यश नहीं मिलेगा, हम हमेशा क्या रहेंगे? बदनाम ही होते रहेंगे। ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जो गुलामी में जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि वह बेशर्मी का जीवन के समान होता है। किसका जीवन? गुलाम का जीवन। ठीक, अब चलें हम आगे की पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। लहू के नदिया तौर निकल थे बीर हाजत के बेरा, सूरज निकल थे मीट के करिया बादर वाला घेरा, उजियारी ले तभे उसल थे अंधियारी के डेरा, सबे परानी बर आज़ादी करम बरोबर होती। लहू, लहू का मतलब क्या होता है यहाँ पर? खून। तो कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि जिस समय वीर पुरुष रक्त की नदी तैरकर पार करता था, जिस समय वीर पुरुष मतलब जो हमारे क्रांतिकारी हैं, वीर सपूत हैं, वे क्या करते थे? अपना प्राण निछावर कर देते थे। किनके लिए? भारत माता के लिए। तो उस समय क्या करते थे वीर पुरुष? रक्त की नदी तैरकर पार करते थे, अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते थे, लड़ते थे। उसी समय सूर्य काले बादलों के घेरे को मिटाकर चमकने लगता है, तभी पराधीनता का अंधकार समाप्त होता है, मतलब गुलामी का जो छाई हुई जो काली अंधियारी होती है वो क्या हो जाती है? हट जाती है, तभी हमको आज़ादी मिलती है। वास्तव में आज़ादी मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए कर्म के समान होती है, क्योंकि सिर्फ आज़ादी हम मनुष्य को नहीं चाहिए, जंगली जानवर को भी, चिड़ियों को भी आज़ादी बहुत अच्छी लगती है। ठीक, सभी प्राणियों को स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी, आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोनहा थारी, सोन के पिंजरा माँ आज़ादी भरम बरोबर होती। तो इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आज़ादी की थोड़ी भी पहचान नहीं होती है, कि कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, किसी इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आज़ादी होती क्या है, दूसरे लोग उसकी नासमझी का पूरा लाभ उठाते हैं और उसे क्या करते हैं? अपना गुलाम बना लेते हैं। जीवन में हानि उठानी पड़ती है, जीवन में लाभ के साथ साथ हमें
हानि भी उठानी पड़ती है। आज़ादी की बासी अर्थात रूखी सूखी रोटी के आगे पकवानों से सजी सोने की थाली भी व्यर्थ होती है। अगर आपको किसी सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए और बहुत अच्छे अच्छे पकवान दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। दो चार दिन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या चाहिए होगी? आज़ादी। उससे अच्छा है कि रूखी सूखी बासी और रोटी ही आपको अच्छी लगे। ठीक है, ये आज़ादी सबसे प्यारी है। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के लिए स्वतंत्रता भ्रम जैसी होती है। अगर किसी आपको स्वतंत्रता या गुलामी के बारे में पता करना हो तो किसी पिंजरे में कैद पक्षी को देख लेना, उसे कैसे लगता होगा। तात्पर्य यह है कि वह स्वतंत्रता के सुख को जानता ही नहीं। ठीक, तो आपको स्वतंत्रता और गुलामी ये दोनों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। आखिर ये होती क्या है? माढ़े पानी हा नहीं गावे खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए ना बांधा खेत मा एको दाना, अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिला ठिकाना, आज़ादी हा सब विकास के मरम बरोबर होती। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक स्थान पर ठहरा हुआ पानी या जल कलकल की आवाज़ नहीं करता। खलबल खलबल मतलब जो पानी को जब आप आवाज़ ऐसे हिलाते हैं तो आवाज़ कैसे करता है, तो वैसे ही कलकल का गीत नहीं गाता। बिना नहर के बांध या तालाब खेतों में एक भी दाना अन्न उपजा नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने पैरों का बंधन खोलता है उसे ही अपनी मंजिल प्राप्त होती है, और जो अपना बंधन नहीं खोल सकता अर्थात गुलाम रहता है उसे कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि बंधन में बंधे रहकर मनुष्य कभी भी सफलता उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। आज़ादी ही सभी तरह के विकास का मर्म है या मार्ग है। तो आपको ये पाठ में हमने बताया कि एक सांस आज़ादी के जो है वो स्वतंत्रता और गुलामी के बारे में बताया गया है कि आज़ादी होती क्या है अर्थात स्वतंत्रता होती क्या है और गुलामी होती क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्र रहकर कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आगे के चैप्टर के लिए आगे के वीडियोस देखें। ठीक है।